स्टूडेंट्स आज ऐसे पढ़ेंगे पैरामीटर एंड स्टैटिक्स एंड सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। द कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच द इंफॉर्मेशन डिजायर्ड कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की है कि वो सारिया आइटम्स की कलेक्शन जिस दे बारे असी इंफॉर्मेशन चाहिए है जो जो असी आइटम्स कलैक्ट कितिया ने किसी रिसर्च परपज़ वास्ते उस सारे आइटम्स की कलैक्शन असी पॉपुलेशन कहेंगे। जिमें कि असी किसी सिटी दे विच असी पर्टिकुलर मंथ दे विच आने वाले सैलफोन के बिल्स की असी डिटेल इकट्ठी की है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मे बी फाइनट और इनफाइनट सैट। जेकर पॉपुलेशन दे विच जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है ने उन्होंने असी काउंट कर सकते हैं काउंटेबल हैगी है तो पॉपुलेशन फाइनट पॉपुलेशन होएगी। तो फाइनट पॉपुलेशन दे लई असी सिंबल एन यूज़ करते हैं। एन ए सिंबल विच नोट्स दा विच इंडिकेट्स दा नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए फाइनट पॉपुलेशन। इनफाइनट पॉपुलेशन एक इस तरह का डेटा है एक इस तरह दिया कलैक्शन ऑफ डेटा है जिद असी आल एलीमेंट्स नू असी थ्रैटिकली इंपोसीबल है टू ऑबजर्व आल एलीमेंट्स। यानी कि साढ़े कोई इस तरह का आइडिया नहीं है अबाउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स तो इस तरह की पॉपुलेशन असी इनफाइनट पॉपुलेशन कहेंगे। साढ़े कोल की हुंदा कि पापूलेशन दे विच जिहड़े नंबर ऑफ टर्म्स कुछ इस तरह दियां असीं टर्म्स यूज़ करदे हां जिहनू असीं पैरामीटर्स कहिंदे आपां। जिवें कि कुछ करैक्टरिस्टिक हुंदियां ने किसी पापूलेशन दियां जिवें असीं मीन मैजर करदे हाँ किसी पापूलेशन दा जां उसदी स्टैंडर्ड डेविएशन जां उसदी पापूलेशन प्रपोर्शन ये कुछ कॉमन पैरामीटर्स ने जो किसी पापूलेशन जां डेटा दे लई असीं स्टडी करते हाँ। इन्हां दे लई सिंबल यूज़ करते हैं मेन दे लई सिंबल यूज़ करते हैं म्यू सिग्मा इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पाई यूज फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। एनी करैक्टरिस्टिक और मेजर ऑफ सैंपल आइटम इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। द सैंपल मीन दिस सिंबल यूज फॉर मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस एंड सैंपल प्रपोर्शन पी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऑबटेनिंग ऑफ द एस्टिमेट ऑफ एन अननोन पैरामीटर यूजिंग ए स्टैटिस्टिक्स एंड स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑबटेन्ड एस्टिमेट्स आर प्राइम ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। यानी कि असी जो डेटा दे लई करैक्टरिस्टिक्स हैगे ने यानी कि कुछ जिहड़े पैरामीटर्स ने जिन्हों जिन्हों विच असी मीन लवांगे स्टैंडर्ड डेविएशन लवांगे इन्हों असी की कहने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ऑफ द डेटा ज पापूलेशन। हुण असी जो सैंपलिंग करते हैं सर्च परपज़ के लिए सर्वे करते हाँ सैंपल सर्वे तैयार करते हाँ तो उस कुछ एरर्स आ जाए जिन्हों असी सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर्स कह सकते हैं। असी सैंपल सर्वे जो है वो एक समाल पोर्शन ऑफ पापूलेशन के उपर कलैक्ट करते हाँ जो जो एरिया है या पोर्शन है वह वड्डा हो सकता है। तो जो तुसी इनफॉर्मेशन कलैक्ट करते हैं तो उस दे विच कुछ इनएक्यूरेसी होंदी है कुछ मिसटेक्स कुछ एरर्स आ जांदियां ने कुछ गलतियां आ जांदियां ने कुछ डेटा नू कलैक्ट करने दे विच इनएक्यूरेसी होंदी है दैट इनएक्यूरेसी मे बी टर्म्ड एज सैंपलिंग एरर और एरर वेरियंस। तो सैंपलिंग एरर वो एरर्स ने जो असी सैंपलिंग करते समय असी जनरली साढ़े को जो रैंडिंग सैंपलिंग करते हैं तो साढ़े को ऑटोमैटिकली आ जाएं क्योंकि असी एक्चुअली की है कि डेटा कलैक्ट करते समय कुछ इनफॉर्मेशन रोंगली साढ़े को जी है वह कलैक्ट हो जाती है। तो सैंपलिंग एरर्स नू असी इस डायग्रामैटिकली समझ सकते हैं असी इस डायग्राम दे विच ए बिगर सर्कल है वो पापूलेशन का है उस तो बाद समॉलर इस तो अंडर सर्कल है यह सैंपलिंग फ्रेम है इस दे विच जो सैंपल कलैक्ट किया ये रिस्पोंस है सैंपल दे विचों जो असी डेटा कलैक्ट किया। तो की है कि पापूलेशन के टोटल विचों असी जो सैंपलिंग फ्रेम लिया दैट डिफरेंस कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम एरर एंड सैंपलिंग फ्रेम तो सैंपल दे विच जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड चांस एरर एंड रिस्पोंस ते
सैंपल दे विच जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रिस्पोंस एरर। तो टोटल सैंपलिंग एरर इज सम ऑफ फ्रेम एरर, चांस एरर एंड रिस्पोंस एरर। तो सैंपल एरर मे बी मे अकर रैंडली रैंडमली और आर इक्वली लाइकली टू बी इन द आइदर डायरेक्शन। तो जी मैगनीट्यूड है जी दी सैंपलिंग एरर की मात्रा है वो डिपेंड करती है कि साडा यूनीवर्स किहो जिहा है, साडा जिहड़ा है सैंपल जां डाटा कलेक्ट किया है वो टोटल जिहड़ा है पोर्शन है जिहड़ा है वो साडे सैंपलिंग सर्वे दे विच जो असी पापूलेशन का पोर्शन लिया उहदी नेचर किस तरह की हैगी है, यानी कि होमोजीनियस नेचर दे लई जिहड़ी सैंपलिंग एरर जिहड़ी है वह समाल हुंदी है। तो सैंपलिंग एरर डिपेंड करती है साइज ऑफ सैंपल दे उपर भी, जिनी सैंपल सैंपल साइज वड्डा होएगा उन्नी सैंपलिंग एरर छोटी होएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हुंदी सैंपलिंग एरर। साढ़े को नॉन सैंपलिंग एरर भी होंगे ने विच मे क्रीप इन द ड्यूरिंग प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग एक्चुअल इनफॉर्मेशन, जो असी इनफॉर्मेशन डेटा कलैक्ट कर रहे हाँ उसकी कलैक्शन के समय कुछ एरर ऑटोमैटिकली साढ़े डेटा आ जाए हैं। सच एरर अकर इन आल सर्वेज वैदर सेंसस और सैंपल, वी हैव नो वे टू मैजर नॉन सैंपलिंग एरर्स। तो कुछ इस तरह एरर जो साड़ी डेटा कलैक्शन के समय आ जाए इन द प्रोसैस ऑफ कलैक्टिंग ऑफ एक्चुअल इनफॉर्मेशन, इस तरह के एरर नॉन सैंपलिंग एरर कहने। तो इस साढ़े को इस तरह का कोई वे नहीं है कि असी इन नॉन सैंपलिंग एरर मैजर कर सकी। नैक्सट है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स मे नॉट बी द सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पापूलेशन। तो असी सैंपलिंग एनालिसिस करते हाँ तो असी सर्टन नंबर ऑफ सैंपल लैने, हरेक सैंपल दे लिए असी वेरियस स्टैटिस्टिकल मैजर जिमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस असी मापते हाँ। तो अलग अलग सैंपल दे विच जिहड़ा है ये करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े वेरियंस मीन वो अलग अलग होणगे। तो असी की है कि पूरे जिहड़ा टोटल सैंपल है उसकी जी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फॉर ऑन द होल सैंपल। असी अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस, तो उसमें असी टोटल जिहड़ा है सैंपल के उपर अप्लाई करते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो असी इतने डिफरेंट टाइप दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशनस लवेंगे, मेनली असी स्टडी करांगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बेल शेप ऑफ द हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा एज ए शोन बिलो। दिस इज द डाटा इन द विच इज शोन इन इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम्स, दिस इज ए बेल शेप डाटा। द ग्राफ ऑफ दिस डेटा इज ऑफ बेल शेप्ड, बेल मीन्स घंटी। तो असी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं किसी डेटा का तो उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी है वह सानू काफ़ी हेल्प करती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन असी एन म्यू सिगमा नाल डिनोट करते हाँ, एन फॉर नॉर्मल, म्यू इज मीन एंड सिगमा इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। साढ़े को जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वेरिएबल जी वैल्यू है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होएगी, इधर माइनस इनफिनिटी होएगा इधर प्लस इनफिनिटी होएगा। तो माइनस टू प्लस इनफिनिटी के जो है ये डेटा की जी है वैल्यू वेरी करती है। तो हम असी कुछ इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। सर्टन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अकर विच विद सच रेगुलरली रेगुलरिटी इन रियल लाइफ एप्लीकेशन दैट दे हैव बीन गिवन देयर ओन नेम्स। तो असी कुछ असी जी है उन्होंने प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उन्होंने कुछ जी डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल, पॉइजन, यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने असी सिर्फ बायनोमियल, पॉइजन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा, क्योंकि साढ़े सिलेबस के
यही तीनों प्रकार दी डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कितने यूज़ करते हैं आप? तो इस यूज़ करते हाँ फॉर एग्जाम्पल इन रैंडम एक्सपैरीमेंट द नंबर ऑफ हैड्स और टेल्स इन ए सीकुएंस ऑफ कॉइन फ्लिप्स, असी कॉइन टॉस किया नंबर ऑफ हैड्स टेल्स उसकी जी हैगी है उसके केस संबंध वोट काउंट फॉर टू डिफरेंट कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लाइज इन ए कंपनी द नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट आर कंप्लायंस और नॉट कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग प्रोसीजर द नंबर ऑफ सक्सेसफुल सेल्स कॉल्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन ए प्रोडक्शन रन द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ यूअर कंपनीज कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपीरियंस ए प्रॉब्लम। तो इस तरह सिचुएशंस नू असी जिहड़ी है उहदे वास्ते असी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हाँ। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हुंदा है? तो इहदे विच नंबर ऑफ डेटा नंबर ऑफ एक्सपैरीमेंट्स सपोज एन असी जिहड़ा है ट्रायल्स करते हाँ तो उसकी हरेक ट्रायल की जिहड़ा रिजल्ट होएगा जां सक्सैस होएगा जां फेलियर होएगा। तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सैस इज द सेम फॉर आल ट्रायल्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस नूं असीं क्यू नाल डिनोट करते हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नूं असीं क्यू नाल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस नूं असीं पी नाल तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नूं असीं क्यू नाल डिनोट करते हाँ। तो सारे आउटकम्स जिहड़ियां हैगियां ने वह डिफरेंट ट्रायल दियां इंडिपेंडेंट होणगियां असीं टोटल नंबर ऑफ सक्सैस दे विच इंटरस्टड हाँ विच आर इन एन ट्रायल्स तो सपोज एक्स इज द नंबर ऑफ टोटल सक्सैस दैन एक्स इज कॉल्ड द बायनोमियल रैंडम वेरीएबल तो इस जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी पर्टिकुलर वेरीएबल एक्स के लिए जी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी उस फंक्शन है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरीएबल एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इन टू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी रेज टू पावर एक्स वन माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एन एन इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ द एन ट्रायल दिस इज दीज एन एंड पी आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पी स्टैंड फॉर द प्रोबेबिलिटी and this formula gives the probability of a random variable x equal to small x to isnu assi samjhan de layi assi ek probability example lavange the probability for observing any sequence of n in independent trials that contains x success and n minus x failures is equal to p raised to power n into 1 minus p raised to power n minus x ta p hai success di probability ta 1 minus p ki hoegi फेलियर की प्रोबेबिलिटी जिन्होंने असं क्यू भी कह सकते हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ सच सीकुएंस इज इक्वल टू एन सी एन सी एक्स जानी कि कॉम्बीनेशन ऑफ एन टेकिंग एक्स एज टाइम विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इन टू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन वैन वी रैंडमली सिलेक्ट एक्स ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वो साढ़े को एक एग्जाम है जिस दस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने विद फोर पॉसिबल चॉइस फॉर ईच क्वेश्चन ओनली वन ऑफ विच इज़ करैक्ट दस क्वेश्चन दस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने उनके हर एक क्वेश्चन के लिए चार पॉसिबल चॉइस ने तो जिद सिर्फ एक ही करैक्ट है। तो एक स्टूडेंट है उसनों एक आंसर सिलेक्ट करने वास्ते किया जाता है लैट एक्स बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर करैक्टली तो एक्स की है वेरीएबल जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने आंसर करैक्टली किए हैं दैन एक्स इज़ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन की है नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स दस ने क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दस ने पी दी प्रोबेबिलिटी क्योंकि चार क्वेश्चन ने चार विचों एक सही है तो वन बाय फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस है तो वन बाय फोर मीनस 0.25 तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस है। तो असी प्रोबेबिलिटी कढ़नी है कि स्टूडेंट टू गैट नो आंसर करैक्ट कोई भी आंसर करैक्ट नहीं होएगा इसकी की प्रोबेबिलिटी है। तो असी यह प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करिए
for binomial distribution, this is equal to n factorial upon x factorial n minus x factorial. The total question है कि 10 तो 10 factorial, 10 बच्चों कोई भी सही नहीं होना चाहिए था, 0 factorial, 10 minus 0 factorial, तो probability of success है कि 0.25, कोई भी success नहीं होना चाहिए था, 0 आएगा, तो 1 minus 0.25 raised to power 10 minus 0, तो इस नू calculation तो बाद देखिए, साड़े कोल की आ रहा है, 0.75 raised to power 10, यानी कि 0.0563, this is the probability of no success. ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੂ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ, ਦੋ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਕਸ ਟੂ ਮੀਨਸ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਇੰਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ 0.25 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਅਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ 0.25 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.25 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਪੀ ਆਏਗਾ ਕਿਊ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.2816, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਟੂ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਫੇਲ ਦ ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ. ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? P less than equal to x, this will be equal to summation of P0 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ, x ਵੈਲਿਊ 0, ਫਿਰ 1 ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ. ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ probability that student to fail the test. Next है, what is binomial mean and variance? The binomial mean है mu, mu is equal to ex, ex is equal to total expectation means n into p, n है number of trials, p है probability of success of any trial. The variance की है, इसका variance होता है n p into 1 minus p. एन की है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रायल. तो 1 माइनस पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी है प्रोबेबिलिटी सक्सेस, तो 1 माइनस पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस मीन्स फेलियर. तो साढ़े को देखिए इस केस दे विच, इस एग्जाम्पल टोटल एन की वैल्यू है 10, तो पी की वैल्यू है 0.25, तो साढ़े को म्यू आएगा एन इंटू 0.25 n into p, यानी कि 10 into 0.25 आएगा 2.15. तो जोड़ा वेरियंस है सिग्मा स्केयर, दैट इज इक्वल टू एन पी इंटू 1 माइनस पी. वैल्यूज पुट करिए, n साढ़े को है 10, तो p है 0.25, तो 1 माइनस पी, ये साढ़े को वेरियंस आ गया 1.875. तो स्टूडेंट्स, ये सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फॉर ए डेटा. तो अस इस तो बाद पढ़ांगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट्स, थैंक यू.